हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है साथ ही आप यहां पर सी ई टी आई आई टी जी नीट एस एस सी बैंक रेलवे जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज भी मतलब यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है बस वहां से आप

ओके okay, अब वेबसाइट और वेब पेज ये वर्ड आपने बहुत सी बार सुने हैं इनफैक्ट हम जब मोबाइल लैपटॉप पीसी का यूज करते हैं इंटरनेट का यूज करते हैं तो हम पता नहीं कितनी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं यूज करते हैं ओके सो आज की वीडियो में हम बेसिकली इन्हीं को डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियोज में हम इस चैप्टर के बेसिक्स को डिस्कस कर चुके हैं मतलब कि हमने इंटरनेट समझा क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है कैसे वर्क करता है ये देखा ठीक है वेब ब्राउजर जो कि बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स को और वेब पेजेस को एक्सेस कर पाते हो उसके बारे में भी डिटेल में समझा कौन से पॉपुलर वेब ब्राउजर से वो देखा अब आज की इस वीडियो में आप उसी के बाद जो नेक्स्ट इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी आपकी बुक में दी हुई है बस उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं अब ये वेबसाइट और वेब पेजेस क्या होता है वो देखेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है क्या इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है आज की इस वीडियो में यही बेसिकली हमें आ, समझना है यही इस टॉपिक में हमें क्लियर करना है फाइन सो वेबसाइट और वेब पेज ये जो टॉपिक से आपके प्रीवियसली टॉपिक से कैसे लिंक्ड है पहले वो समझ ले देन वी स्टार्ट अबाउट दिस टॉपिक देखो प्रीवियस हमने समझा इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का कनेक्शन होता है ठीक है मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्मॉल या है, वो जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं हैं को शेयर करते कम्युनिकेट है, करते हैं सो so इसी को बेसिकली इंटरनेट कहते हैं मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहे हैं यहाँ पे अब इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड वेब का क्या रोल होता है सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है वो सर्विसेज होती हैं जिन्हें आप इंटरनेट की मदद से एक्सेस करते हो मतलब आप कोई वीडियो फाइल ऑडियो फाइल आप जो वेबसाइट्स वगैरह जब एक्सेस कर रहे हो तो वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से ही एक्सेस कर पा रहे है ना वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है लार्ज सॉफ्टवेयर्स होते हैं लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन होता है लार्ज जिनकी वजह से आपको सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो टेक्सचुअल ग्राफिक्स जितनी चीज़ें आपको इंटरनेट पर वेबसाइट्स में दिखती हैं ना उन्हें आप एक्सेस कैसे कर पा रहे हो उन सर्विसेज को यूज़ कैसे कर पा रहे हो वो वर्ल्ड वाइड वैप की मदद से सो so, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वैप समझ में आ गया इंटरनेट कंप्यूटर्स का नेटवर्क है कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है और वर्ल्ड वाइड वैप की वजह से इंटरनेट का यूज़ करके हम सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं तो ये पीपल्स को आपस में कनेक्ट करता है कम्युनिकेट करवाता है बेसिक यही समझा अब इसके लिए आप इन सर्विसेज को एक्सेस कर पाऊं इसके लिए जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है आपका वेब ब्राउजर तो ये सर्विसेज हमें वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की मदद से मिलती हैं कैसे मिलती हैं वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर पे आपको किस तरीके से इन सर्विसेज को एक्सेस करते हो तो जिस तरीके से हम एक्सेस करते हैं जिस माध्यम से हम इन्हें एक्सेस करते हैं वो माध्यम ही वेबसाइट और वेब पेजेस होता है सो so, इन दोनों में भी इंटरलिंकिंग है वेबसाइट क्या है एक्चुअली वेबसाइट है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस अलग अलग वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं आप सभी के पास अपनी कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिंदी साइंस इंग्लिश की अलग अलग बुक्स हैं है ना हर बुक में कुछ हंड्रेड टू हंड्रेड है ना लाइक सेवेंटी फिफ्टी ऐसे कुछ पेजेस हैं तो सपोज हम अपनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक की बात करते हैं और उसके अंदर सपोज 150 फिफ्टी पेजेज है तो आपके जो ये फिफ्टी पेजेस है तो ईच इंडिविजुअल पेज क्या कहलाएगा आपका वेब पेज कहलाएगा और जो बुक है आपकी वो एक वेबसाइट कहलाएगी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली बुक में आपको सारे पेजेस आपके कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिलेंगे तो ये आपका एक वेबसाइट हुआ जिसमें फर्दर 150 पेजेस हुए जो कि वेब पेज कहलाते हैं अब ये वेब पेज और ये वेबसाइट इसमें वेब का क्या रोल है ये भी थोड़ा सा समझ लें तो सपोज आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का यूज करते हो वर्ड में आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो ठीक है पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस बनाते हो इसी तरीके से एक्सेल में आप शीट्स क्रिएट कर सकते हो है ना यदि हम नोटपेड की बात करें तो वहां पे भी आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो सो so, ऐसे हम फर्दर डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं ओके बिना इंटरनेट की मदद से लेकिन जब आप इंटरनेट पर सर्वर पर सर्वर समझते हो ना आप सभी कि इंटरनेट अपना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है जब हम इंटरनेट पे सर्वर पर यही सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं क्या करते हैं इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो इंटरनेट सर्वर पर वही डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर आपके एच टी एम एल डॉक्यूमेंट थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके वेब डॉक्यूमेंट में तो उन्हीं वेब डॉक्यूमेंट को यहाँ पर वेब पेजेस कहते हैं और उन्हीं उन्हीं वेब वेब पेजेस का उनी का डॉक्यूमेंट जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है आपका वेबसाइट सो so, अब अच्छे से क्लियर है कि वेबसाइट और वेब पेजेस क्या हुए अब इनको हम समझेंगे डिटेल में आज के इस लेक्चर में ओके सो so, सबसे पहले वेबसाइट की यदि डेफिनेशन आती है अब एग्जाम में तो क्या लिख कराओगे अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस Containing images, videos or other digital media set under the same domain name. अब वेबसाइट क्या होगी आपका? कलेक्शन ऑफ़ रिलेटेड वेब पेजेस। रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जैसे मैंने अभी बुक का एग्जाम्पल दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी वाली बुक के अंदर आपकी सिर्फ आई टी के जो भी चैप्टर है मैथ हिंदी साइंस की इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल रही है तो जितने भी चैप्टर्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है तो जो मेन वेबसाइट होगी आपकी उसमें जितने भी वेब पेजेस होंगे वो रिलेटेड वेब पेजेस होंगे ओके इट कंटेंट अब क्या कंटेन करता है वेबसाइट में में क्या वेब पेजेस कैसी इंफॉर्मेशन होती है तो आजकल इंटरनेट

नहीं ना तो हमारे पास हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है हर सब्जेक्ट के नाम अलग अलग है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हर एक वेबसाइट का यूनिक डोमेन नेम होता है डोमेन डोमेन नेम नेम मतलब एड्रेस ऑफ वेबसाइट जिसे हम हम के नाम से भी जानते हैं अब क्या क्या होता है? क्या होता है है इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं फिलहाल आप इतना समझो कि हर एक वेबसाइट का यूनिक डोमेन नेम होता है यूनिक नाम होता है जिससे उसे जाना जाता है जैसे मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम की बात करें तो मैग्नेट ब्रेन्स के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जितने भी कोर्सेज आप को मिल रहे हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस मिल रही है सब आपको किस डोमेन पर मिल रही है किस वेबसाइट की मदद से मिल रही है www.magnetbrains.com से मिल रही है तो इसके अलावा कहीं और किसी इसी सेम नाम से कुछ और आपने सुना क्या नहीं ना तो हर एक वेबसाइट का यूनिक डोमेन नेम होता है यूनिक एड्रेस होता है जिससे हम सर्वर से उसको रेफर करते हैं तो यूजर वेबसाइट को कैसे एक्सेस करता है उसके डोमेन नेम के अकॉर्डिंग एक्सेस करता है ये क्लियर डोमेन नेम क्या हुआ वेबसाइट का नाम हुआ वेबसाइट का एड्रेस हुआ जिसे हम वेब एड्रेस और यू भी कहते हैं क्या होता है कैसे डिस्क्राइब करोगे इसको वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना फाइन आगे बढ़ते हैं दिस पेजेस आर रिटर्न इन हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज अभी जो वेबसाइट है जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है ये किस लैंग्वेज में हम इन पेजेस को लिखते हैं मतलब कि जैसे हिंदी इंग्लिश में लिखते हो आप कुछ डॉक्यूमेंट कुछ पेजेस बनाते हो ठीक है संस्कृत उर्दू में भी आप लिखते हो वैसे यहाँ पर वेब पेज जो बनता है जो पेज सर्वर पे अपलोड होता है जो डॉक्यूमेंट सर्वर पे स्टोर होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका एच टी में जिसका फॉर्म होता है web web क्रिएट करने के लिए एच टी एम एल बेसिक लैंग्वेज है जिसमें कुछ टैग्स होते हैं कुछ एलिमेंट्स होते हैं उन टैग्स और उन एलिमेंट्स का यूज करके आप वेब पेज को क्रिएट करते हो जिसमें बेसिक एलिमेंट एच टी एम एल एलिमेंट होता है होता है बॉडी एलिमेंट होता है ओके सो एच लैंग्वेज की मदद से हम क्या करते हैं वेब वेब पेजेस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं नोट पेड टेक्स एडिटर में लिखे जाते हैं एच के कोड और फिर उसको वेब ब्राउजर पर रेंडर किया जाता है सेव करके यूज किया जाता है ठीक है न बी एक्सेस टू बी आर इंटरनेट वेब ब्राउजर पे जब आप एक्सेस करोगे तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी ओके नाउ अ वेबसाइट इज होस्टेड सर्वर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब बहुत काम की लाइन कि वेबसाइट इज होस्टेड ऑन द वेब सर्वर अब जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो कहां पर होस्ट होती है वेब सर्वर पर अब सर्वर समझ में आता है ना भाई क्या होता है सर्वर क्लाइंट सिस्टम होता है ठीक है जहां पे हम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं और यहाँ पे आपका होता है सर्वर सिस्टम सपोज क्लाइंट ने क्या रिक्वेस्ट किया क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया किसी वेबसाइट को एक्सेस करना तो सर्वर भी कोई एक सर्वर नहीं होता सर्वर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं भाई एक सर्वर के ऊपर कितना लोड हो जाएगा अगर सारी चीज़ें सिर्फ एक ही सर्वर सिस्टम पे होगी है ना तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं जैसे YouTube की वीडियो से यदि क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है क्लाइंट चाहता है YouTube की वीडियोस को एक्सेस करना तो यहाँ पे सर्वर कौन सा एक्सेस होगा सर्वर कहाँ पे सर्च करेगा उसकी वीडियो को यूट्यूब सर्वर से सर्च करेगा यदि कोई आप फाइल को एक्सेस करते हो तो फाइल सर्वर यूज होता है यदि आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वो जिस सर्वर पर स्टोर होती है वो कहलाता है आपका वेब सर्वर और ये सब इंफॉर्मेशन ये सब सॉफ्ट सर्वर को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है वो सर्वर से ही फुलफिल हो रही है और सर्वर को जो सॉफ्टवेयर बेसिकली मेंटेन करता है इतने सारे सर्वर्स का बेसिकली हम कलेक्शन बोल सकते हैं वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है फाइन क्लियर ईच साइट इज ओन्ड एंड मैनेज बाय एन एन इंडिविजुअल अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिलियन और बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो आजकल मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में क्या है वेबसाइट्स अवेलेबल हैं क्योंकि इंटरनेट का यूज जितना ज्यादा हो रहा है जितना बूम पर है जितना खतरनाक तरीके से हम यूज कर रहे हैं हर एक एज का पर्सन आजकल इंटरनेट का यूज कर रहा है बिना लैपटॉप मोबाइल पीसी के हम कहीं ना कहीं जी नहीं सकते हैं राइट मोबाइल पे तो हमारी एक एक तरीके से लाइफ ही डिपेंड कर रही है तो उतनी ही तरीके से उतने ही ज्यादा आजकल मार्केट में अवेलेबल है इंटरनेट सर्वर पर अपलोडेड है आपको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो शॉपिंग की बात करें हम तो शॉपिंग के लिए ही कितनी सारी वेबसाइट है अमेजॉन फ्लिपकार्ट स्नैपडील मिंत्रा मीशो है ना तो ढेर सारी वेबसाइट आपको सिर्फ शॉपिंग के लिए अवेलेबल है यदि हम बात करें गो की वेबसाइट्स भी बहुत सारी हैं जो आपके लिए अवेलेबल होती है कुछ गेम्स के लिए वेबसाइट्स होती है इंटरटेनमेंट के लिए होती है मूवीज के लिए होती है आपको यदि एक सॉन्ग भी डाउनलोड करना है तो आपको सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए भी दस से पचास वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हो राइट तो सोचो यहाँ पर कि यूजर जितने हैं उससे ज्यादा वेबसाइट्स भी अवेलेबल है और हर एक वेबसाइट किसी ना किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंडिविजुअल के थ्रू ही मैनेज की जाती है क्रिएट की जाती है ओके सो ये चीज हमें अच्छे से क्लियर हो गई कि वेबसाइट क्या होता है अब यदि सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग के लिए भी ढेर सारी वेबसाइट हैं जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम आपका लिंक ट्विटर ये सब क्या है ये सब आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं ओके नाउ अब आते हैं हम वेब पेज पर तो वेबसाइट तो हमने समझ लिया अभी कि वेबसाइट आपकी एक बुक की तरह होती है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं ठीक है और ये सभी पेजेस रिलेटेड होते हैं कहाँ पे स्टोर होता है वेबसाइट इंटरनेट सर्वर पर स्टोर होती है किसके थ्रू उन वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस करते हो वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से एक्सेस करते हैं ओके okay. अब वेब पेज क्या हुआ है यदि हम वेबसाइट के एक इंडिविजुअल पेज की बात करते हैं वेबसाइट में एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेब पेज सो so, वेब पेज इज अ डिजिटल पेज भाई बुक है आपके पास हार्ड कॉपी में है बुक के इंडिविजुअल पेज आप देख सकते हो लेकिन वही पेज यदि आपको ई बुक के फॉर्मेट में कहाँ मिल रहा है इंटरनेट सर्वर पर कंप्यूटर लैपटॉप पीसी की मदद से आप एक्सेस कर रहे हो डिजिटली तो वो डिजिटल पेज कहलाता है विच में कंटेंट टेक्स्ट हाइपरलिंक वीडियो ऑडियो इमेजेस टेबल्स एक्सेट्रा बाकी वेब जैसे वेबसाइट आपका कंटेन करता है टेक्चुअल ऑडियो वीडियो डेटा उसी तरीके से वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं तो वो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है ऑडियो फॉर्मेट में वीडियो फॉर्मेट में इमेजेस में टेबल्स में टेक्स्ट में लिंक के फॉर्म में इवन ओके नाउ इट इज कॉमनली रिटन बाई यूजिंग एच टी एम एल लैंग्वेज एज इट स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर ऑब्वियस वेबसाइट वेब पेज सर्वर पर स्टोर होते हैं तो आप जिस भी लैंग्वेज uh, में कोड करते हो मतलब की बात करें यहाँ पर हम कि वेबसाइट यदि वेब पेज को क्रिएट करना है तो वो लैंग्वेज जो यूज की जाती है एस टी एम एल लैंग्वेज होती है ओके एच टी एम एल लैंग्वेज में बनाए हुए कोड ही आपके सर्वर पर अपलोड होते हैं और वहीं पर एंडर होते हैं और वहीं से आपको सारी चीजें मिलती हैं

ब्राउजर पर वेब ब्राउजर पर क्या होता है एक एड्रेस बार होती ना, बार है ना गूगल क्रोम के एड्रेस बार देखिए यहां पर आपने ये टाइप किया जैसे ही आप टाइप करते हो तो आपको इस तरीके का क्या एक पेज होता है शो ओपन हो जाता है ठीक है तो अब इस पेज में आप ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर पेज को हम कहते हैं वेब पेज ओके और ये हो गया आपका वेबसाइट का एड्रेस या वेबसाइट का नाम अब इस वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस हैं तो जैसे ही आप ये लिखते हो तो आपको सबसे पहला पेज दिखता है तो इस सबसे पहले पेज को फर्स्ट ओपनिंग पेज को क्या कहते हैं अपन फर्स्ट पेज को हमेशा किसी भी वेबसाइट के होम पेज कहते हैं क्या कहते हैं सबसे पहले पेज को होम पेज कहते हैं तो इस होम पेज पे आपको फर्दर जितने इस पर्टिकुलर वेबसाइट में पेजेस है ना उनकी लिंक मिल जाती है क्या मिल जाती है इस होम पेज में इस होम पेज में आपको फर्दर हाइपर लिंक्स मिल जाती हैं क्या मिल जाती है? मिल जाती है. यहां पर आपको, no. आपको यहाँ पे हर एक कोर्स की लिंक मिलेगी यदि आप अपने क्लास इलेवन ट्वेल्व टेन नाइन्थ पे क्लिक करोगे जैसे ही आप क्लास नाइन्थ पे क्लिक करोगे तो आप कहा चले जाओगे नेक्स्ट वेब पेज पे चले जाओगे मतलब इस क्लास नाइन वर्ड में एक लिंक है हाइपर लिंक है जैसे क्लिक किया तो इसी से रिलेटेड इसी वेबसाइट में इसी क्लास नाइन से रिलेटेड आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसमें आपको फिर क्या मिल तो आई टी के सारे चैप्टर्स तो की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी तो फिर हम एक थर्ड वेब पेज पे पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं ओके okay? सो so, मेरी बात समझ में आ गई कि, कि, किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या कहलाता है होम पेज कहलाता है अब सपोज आप अपने स्कूल की भी वेबसाइट ओपन करते हो तो स्कूल की भी वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको होम पेज ही दिखता है ना होम पेज दिखता है फिर आपको स्कूल के अकेडमिक से रिलेटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड करिकुलम एक्टिविटीज से रिलेटेड सारी चीजों के अलग अलग टैब दिखते हैं होम टैब अलग कॉन्टैक्ट टैब अलग दिखता है ओके तो जिस भी किसी टैब पे आप क्लिक करते हो तो फर्दर उससे रिलेटेड अनदर वेब पेज ओपन होता है बिल्कुल उसी तरीके से फर्स्ट वेब पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज होम पेज और यहां पर होम पेज पे आपको लिंक्स मिलती है जैसे सपोज आपने यहाँ पर अपनी क्लास नाइन पर क्लिक किया

www.magnetbrains.com एक सिंपल सा यूआरएल था वेबसाइट का नाम था जैसे ही आपने उसको लिखा क्लिक किया तो आपके सामने पहला पेज खुला फिर उसके अंदर कनेक्टेड आपको बहुत सारे रिलेटेड पेजेस मिले सो दैट इज कॉल्ड वेबसाइट और वेब पेजेस वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड ईच वेब पेज इज रिलेटेड विद अनदर वेब पेज हर एक वेब पेज एक दूसरे पेजेस से कनेक्टेड होता है लिंक्ड होता है बाय यूजिंग हाइपर लिंक्स से कनेक्टेड होता है ये हाइपर लिंक्स ये क्या है ये हाइपर लिंक्स ही है और हाइपर को जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट पे ही क्रिएट करो हाइपर लिंक को हम ऑडियो वीडियो या फिर किसी इमेज पर भी क्लिक कर सकते हैं ऐसा नॉट कंपल्स, ऐसा कोई कंपलशन नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही लिंक क्रिएट करो ओके okay? सो so, हर एक वेब पेज क्या कंटेन करता है ऑडियो वीडियो इमेजेस टेक्सचुअल हाइपर सारी चीजों को कंटेन करता है क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज अब किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है सपोज आप कोई पेज क्रिएट करना चाहते हो तो भाई कोई भी वेब पेज यदि आप क्रिएट करोगे तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इस वेब पेज में आप कौन सी इंफॉर्मेशन रखने वाले हो ठीक है इस वेब पेज में आप क्या लिखने वाले हो किससे रिलेटेड तो आपको सबसे पहले इस वेब पेज का टाइटल देना होगा राइट right. समझ में आया सपोज इस वेब पेज में हम रखने वाले हैं क्लास नाइन आइटी की इंफॉर्मेशन को सो so यहाँ पे हमने क्लास नाइन क्रिएट uh, किया अब यहाँ पे आप किसकी इन्फॉर्मेशन देने वाले हो क्लास नाइन में आईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाले हो तो आपने टाइटल सेट कर दिया सेकंड होता है हेडर एरिया तो हमने यहाँ पे हेडर एरिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक का नाम लिख दिया ठीक है फिर यहाँ पे कुछ नेविगेशन मेन्यूज भी आते हैं आप इस तरीके से प्रीवियस पेज पर नेविगेट कर सकते हो ठीक है या फिर आपको लास्ट पेज पे जाना है या कुछ वन टू थ्री फोर नंबर्स लिखे होते हैं जितने वेब पेजेस में होते हैं लास्ट में आपका फूटर एरिया भी आता है यहाँ ठीक है

फिक्स्ड होता है जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो फिक्स्ड पेजेस जो होते हैं वेब पेजेस जो एक बार डिजाइन कर दिए एक बार आपने एस्टीमल कोड के थ्रू जिन पेजेस को बना दिया डिजाइन कर दिया तो वो आपके हो गए स्टेटिक वेब पेजेस जो फिक्स है तो हर कोई यूजर कितनी भी बार उन वेब पेजेस को एक्सेस करेगा वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो वो फिक्स्ड ही रहेंगे हर एक यूजर को सिमिलर एक जैसे ही दिखेंगे तो वो गए आपके फिक्स्ड जैसे हम बात करें विकीपीडिया वेबसाइट की तो जब भी आप विकीपीडिया पे सर्च करते हो टॉपिक को तो आप भी सर्च करोगे तो वैसे ही दिखेगा, तो दिखेगा दुनिया का को कोई भी पर्सन कि उस टॉपिक को जो विकीपीडिया पे सर्च करेगा तो वो वैसा ही दिखेगा चेंज नहीं होगा है ना तो वो क्या हो गया आपका फिक्स्ड वेब पेज हुआ मतलब स्टैटिक वेब पेज हुआ जिसमें कंटेंट एक बार जो लिख दिया वो फिक्स्ड हो जाता है आप उसको यदि चेंज करना चाहते हो तो आपको फिर से रीडिजाइन करना पड़ता है वेबसाइट को क्लियर डायनेमिक पेज क्या हुए डायनेमिक पेज जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं है ना मतलब ऐसा कुछ हम समझे जैसे कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं अब यदि उसकी बात करें आपको जो भी चीज सर्च करनी है आप उससे रिलेटेड सर्च करते हो है ना और डे टू डे कुछ नए ऑर्डर आते हैं कुछ नया डिस्काउंट होता है तो वो चीजें मैनिपुलेट चेंजेस होती रहते हैं उसमें तो आपको उसके एक रियल टाइम में सारी चीजें आपको शो होती हैं अब यदि हम बात करें कोई वेदर फोरकास्टिंग वेबसाइट की तो डे टू डे हर दिन टाइम चेंज होता है डे चेंज होता है टेम्परेचर चेंज होता है आपका जितनी भी वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो हर डे हर घंटे

इफ नंबर ऑफ टाइम्स इट इज व्यूटर को आप देख लो एज इट इज वैसे ही कंटेंट बने रहेंगे, रहेंगे उसमें नहीं दिखेंगे दट इज कॉल्ड स्टेटिक वैपेज सच वैपेजेस आर सुटेबल फॉर दैट नेवर ऑफ रेयरली नीड टू बी अपडेटेड ओके जिसमें एग्जाम्पल आपको यहां पर किसका शो रहा है विकीपीडिया का शो हो रहा है क्लियर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डायनेमिक वैपेजेस अब वो क्या हुआ है कंटेंट ऑफ डायनेमिक वैपेजेस इज जनरेटेड फॉर द यूजर एट द टाइम वन रिक्वेस्ट फॉर द पेज द डॉक्यूमेंट यू व्यू एग्जिस्ट ऑनली फॉर यू दैट मोमेंट इफ यूड बाई सम सेम टाइम और बाय स्लाइटली डिफरेंट टाइम यू कुड गेट समथिंग डिफरेंट

तो भी लिख सकते हो स्टेटिक आता है तो भी लिख सकते हो क्योंकि बहुत बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझ लिया है डेफिनेशन एग्जाम्पल कर आ जाना दो तीन मार्क्स से ज्यादा में डिफरेंस नहीं पूछेंगे है ना स्मॉल uh, बोल सकते हैं कि आपको एक शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन बनता है नाउ डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट अभी वेब पेज भी क्लियर वेबसाइट भी क्लियर ध्यान से देख लो अब अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड बाय लिंक्स वेबसाइट क्या होता है वेब पेजेस का कलेक्शन होता है लिंक्स के थ्रू ये वेब पेजेस वेबसाइट्स में कनेक्टेड होते हैं इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन सब्जेक्ट वेयर एज वेब पेज इज अ सिंगल पेज ऑफ कंटेंट ऑन अ वेबसाइट विच कंटेन्स मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ओके व्हेन वी कैन कंपेयर अ वेबसाइट विद अ बुक देखो वेबसाइट को आप बुक से कंपेयर कर सकते हो एंड अ वेब पेज विद अ पर्टिकुलर पेज ऑफ दैट

तो ये आपका वेब पेज है एक ओके क्लास नाइन पे आप आ गए फिर आप कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे आईटी कोर्स आपने सिलेक्ट किया तो ये आप क्या फर्दर वेब पेजेस में मूव कर रहे हो फाइन सो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में भी एक पॉइंट बना सकते हो ओके नाउ यहाँ पे फिनिश हो रहा है हमारा वीडियो जिसमें हमने वेबसाइट को और वेब पेजेस को डिटेल में समझा जो आपकी बुक में मेंशन है एग्जाम में क्वेश्चन इस पर सिर्फ इसी तरीके से बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन वेब पेज वेबसाइट डिफरेंशिएट स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज डिफाइन वेबसाइट वेब पेज विथ एग्जाम्पल व्हाट आर दी कॉम्पोनेंट ऑफ वेब पेज। कौन कौन से कॉम्पोनेट होते हैं जो कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए जरूरी होते हैं सो so, इस तरीके के ही क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट part से बनते हैं जो हमने आज देखी है ओके okay? यदि वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब पर तो सारी वीडियो अवेलेबल हैं ही वहां से आप एक्सेस कर सकते हो साथ ही हमारी वेबसाइट अगेन मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम वहां से एक्सेस कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे भी अब मैग्नेट ब्रेन का ऐप अवेलेबल है आप वहां से डाउनलोड करो और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन ना सिर्फ के ट्वेल्व आपको प्रोवाइड

कॉस्ट आपको पे नहीं करनी है आप यदि चाहते हो बुक्स और ई e बुक्स की फैसिलिटी तो वो भी अब मैग्नेट ड्रीन आपको प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट को ध्यान रख के मैग्नेट ड्रीन ने कदम उठाया है जो आपको ई e बुक्स और बुक्स प्रोवाइड कर रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से आप क्या कर सकते हो गूगल फॉर्म फिल करोगे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको सैंपल पेपर की बुकलेट चाहिए आपको एमसी की उससे रिलेटेड चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी कोर्स से रिलेटेड बुक्स चाहिए वो अवेलेबल है जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से बुक्स ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हो 100 परसेंट फ्री सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको और साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा कर सको सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ टिल दर्स डे आप ही थैंक यू सो मच